प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभातखबर.com। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। ऋषि कपूर बीते साल ही न्यूयॉर्क से कैंसर का इलाज करवा कर लौटे थे। 29 अप्रैल की देर रात उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बीते दो साल से बीमार चल रहे ऋषि कपूर के साथ उनकी पत्नी नीतू कपूर साये की तरह साथ रहीं, हर कदम पर उनका साथ दिया, ख्याल रखा। दोनों बॉलीवुड के मोस्ट रोमांटिक कपल में से एक माने जाते थे। दोनों के बीच का प्यार कई लोगों के लिए मिसाल था। आइए जानते हैं कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर की मुलाकात कब हुई, कब वो दोस्त बने और कब प्यार हुआ। वो साल था 1974। फिल्म जहरीला इंसान की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म के लीड एक्टर ऋषि कपूर और नीतू सिंह थे। इस समय ऋषि कपूर की उम्र यही कोई 21 साल रही होगी, वहीं नीतू सिंह महज 15 साल की थीं। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई, वक्त साथ बीतने लगा। एक इंटरव्यू के दौरान ऋषि ने बताया, मैं और नीतू काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। उन दिनों मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। एक दिन किसी बात पर मेरा मेरी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया। मैं उदास था। मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, तब नीतू ने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को टेलीग्राम भेजने में मदद की थी। कहा जाता है कि वक्त बीतने के साथ ऋषि कपूर अपनी उस गर्लफ्रेंड से दूर होते चले गए। दिनों दिन ऋषि कपूर और नीतू सिंह की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। दोनों कई फिल्मों में साथ काम कर रहे थे। कहा तो ये भी जाता है कि फिल्म बॉबी में नीतू कपूर ऋषि कपूर के अपोजिट काम करना चाहती थी, लेकिन राज कपूर नहीं माने। दरअसल राज कपूर फिल्म बॉबी के लिए कोई नया चेहरा चाहते थे, इसलिए इसमें तब 14 साल की डिंपल कपाड़िया को लिया गया। फिल्म बॉबी की शूटिंग के दौरान फिल्मी गलियारों में ये खबरें थी कि ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया के बीच कुछ चल रहा है। हालांकि राज कपूर इसके लिए तैयार नहीं थे, बात आई गई हो गई। इसके बाद ऋषि कपूर और नीतू कपूर ने साथ में कई फिल्में की। इनमें रफू चक्कर, दूसरा आदमी, कभी कभी और अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्में शामिल है। इन फिल्मों में इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया। दोनों पर्दे के साथ साथ बहुत अच्छे लगते थे। इसी बीच कुछ प्रोजेक्ट के लिए ऋषि कपूर को यूरोप जाना पड़ा। वहीं नीतू सिंह जम्मू कश्मीर में किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थीं। एक दिन नीतू सिंह को ऋषि कपूर का टेलीग्राम मिला। इसमें लिखा था, सीखनी याद आई। आगे लिखा था, मैं तुम्हारे साथ शूटिंग करना मिस कर रहा हूँ। यूरोप से लौटने के बाद ऋषि कपूर ने नीतू सिंह को प्रपोज किया। दोनों का रिश्ता परवान चढ़ने लगा। इस दौरान नीतू सिंह ज्यादातर फिल्में ऋषि कपूर के साथ ही करना चाहती थी। दोनों ज्यादातर वक्त साथ नजर आने लगे। नीतू ऋषि कपूर के घर आने जाने लगी। कपूर खानदान जानता था कि दोनों रिश्ते को लेकर सीरियस हैं। एक दिन राज कपूर ने ऋषि कपूर से कह दिया कि यदि वो नीतू को लेकर गंभीर हैं, तो शादी कर लें। 22 जनवरी 1980 को ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी हो गई। नीतू सिंह अब नीतू कपूर बन गई। इनकी शादी से जुड़ा एक मजेदार वाकया है। दरअसल ये कपल अपनी शादी में बेहोश हो गया था। नीतू कपूर बेहोश हो गईं क्योंकि उनका लहंगा बहुत भारी था। उसे संभालते संभालते नीतू कपूर परेशान हो गई थी। ऋषि कपूर इसलिए बेहोश हो गए क्योंकि उनके आसपास काफी भीड़ जमा थी। खैर, दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। इस शादी में बॉलीवुड जगत के कई नामचीन सितारों ने शिरकत की थी। 1980 में शादी करने वाला ये कपल 40 साल तक साथ रहा। इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए जिसका दोनों ने मिलकर सामना किया। शादी के बाद नीतू कपूर ने करियर छोड़ दिया, परिवार पर ध्यान लगाया, वहीं ऋषि कपूर काम करते रहे। दोनों कपल आखिरी बार फिल्म बेशर्म में नजर आए थे। इसमें उनके बेटे रणबीर कपूर ने भी साथ काम किया था। आज 40 सालों बाद ऋषि कपूर के निधन के साथ ही इस प्यारे कपल का साथ छूट गया। ऋषि कपूर अपने पीछे पत्नी नीतू कपूर, बेटे रणबीर कपूर और बेटी रिद्धिमा कपूर सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। प्रभात खबर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इससे जुड़े तमाम ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए प्रभातखबर.com के YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।